आती बेटी है न्यासा देवगन, कभी इंडिया तो कभी रहती है वो सिंगापुर में। स्टडीज की वजह से कभी वो आउट ऑफ इंडिया फॉरेन में अपनी लाइफस्टाइल की वजह से ट्रेंड में रहती हैं, तो कभी इंडिया लौटकर अपने ड्रेसिंग सेंस की वजह से न्यासा देवगन ट्रेंड में रहती है। आज हम आप सबके बीच हमारे इस खास स्पेशल प्रोग्राम स्टार लाइफ में बात करने वाली है न्यासा देवगन के बारे में। ये आप जानते हैं शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान हो या जूही चावला की बेटी जाह्नवी मेहता हो, दोनों को ही क्रिकेट इंडस्ट्री की तरफ देखा गया दिलचस्पी लेते हुए। जब ऑक्शन का समय था और उस वक्त उन्हें देखा गया था आईपीएल के ऑक्शन के दौरान किस तरह से वो साथ गुफ्तगु करती नजर आई थी, शाहरुख की बेटी आर्यन के साथ भी जाह्नवी की अच्छी बॉन्ड रही है। अब बात करेंगे और स्टार्स किड्स की, तो जाह्नवी, सारा, अनन्या पांडे से लेकर शनाया कपूर काफी ज्यादा पॉपुलर स्टार किड्स हैं जिनका बॉलीवुड की तरफ रुझान लगातार रहा है। बात की जाए सुहाना की, तो सुहाना भी बॉलीवुड की तरफ अपना रुझान पेश करती नजर आ चुकी है, एक्टिंग में उन्हें दिलचस्पी है ही। अब इसके अलावा इनकी उम्र की अगर स्टार किड्स की बात हो रही है तो न्यासा का नाम सबकी जुबा पर है। न्यासा वो स्टार किड है जो फिलहाल स्टडीज में फोकस करती है। काजोल ने न्यासा को लेकर कई स्टेटमेंट्स दिए और बताया है कि काजोल अपनी बेटी के गुस्से से काफी डरती है। अजय देवगन भी अपनी बेटी के गुस्से से डरते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी लेकिन सच है कि न्यासा और बात की जाए युग देवगन की तो दोनों ही बच्चों में काफी फर्क है। युग थोड़े से नोटोरियस है, न्यासा थोड़ी सीरियस है। बहुत काम रहने वाली न्यासा को लाइमलाइट में दिलचस्पी नहीं है, लेकिन अपनी लाइफ वो नॉर्मल तरीके से इंजॉय करती है। फोन एडिक्टेड है वो, सोशल मीडिया से ज्यादा उनका जुड़ाव रहा है। न्यासा देवगन फ्रेंडली बहुत ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ है, नाइट पार्टीज, नाइट आउट्स फ्रेंड्स के साथ रहना उन्हें पसंद है। लेकिन न्यासा का एक बार अपने पिता पर गुस्सा करना अजय को काफी डरा गया था। काजोल भी अपनी बेटी के गुस्से की वजह से परेशान रह चुकी है, उनके गुस्से का शिकार भी हो चुके हैं। स्ट्रिक्ट मॉम कहे जाने वाली, जी हाँ, स्ट्रिक्ट मॉमी कही जाने वाली काजोल को भी स्ट्रिक्टनेस के बावजूद अपनी बेटी के गुस्से का सामना कब करना पड़ा था और अजय को कब गुस्से का सामना करना पड़ा था, कैसे न्यासा अपने मॉम डैड से खफा भी रह चुकी है, ये सारी बातें आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस शो में। तो इंतजार किस बात का दोस्तों, मैं आप सबको ले चलूंगी स्पेशल रिपोर्ट की तरफ। जानेंगे आप न्यासा देवगन की जिंदगी के कुछ ये दिलचस्प किस्से, देखिए इसके लिए ये स्पेशल रिपोर्ट। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं न्यासा देवगन के बारे में इस रिपोर्ट में। तो आपको बता दें किन किन परिस्थितियों में न्यासा देवगन जो है अपनी मॉम को गुस्सा दिलाने पर मजबूर कर गई। जी हाँ, न्यासा देवगन एंग्री भी हुई है। जब लोगों ने उनकी बगैर इजाजत की फोटोज क्लिक करनी चाहिए तब भी न्यासा देवगन का गुस्सा निकला। सबसे पहले तो आपको बता दें कि न्यासा देवगन अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा नाराज रही हैं। जब उनके पिता उनके लेट आने पर सख्ती बरतते नजर आए थे तब वो काफ़ी नाराज रहे। इसके अलावा जब शिवाय फिल्म की शूटिंग की वजह से सालों अजय देवगन घर से दूर रहे थे, उनकी बेटी उनसे बहुत नाराज थी। अजय देवगन को घर आने से डर लग रहा था कि वो अपनी बेटी का सामना कैसे करेंगे। फिल्म के प्रमोशन के दौरान बेटी के साथ उन्होंने ये कहा। तो आपको बताना चाहेंगे अजय देवगन बहुत पैम्परिंग फादर रहे हैं, लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि न्यासा देवगन ने अपने पिता से बातचीत करना ही बंद कर दिया था 1.5 साल तक, जब शिवाय फिल्म को लेकर वो बिजी थे। बहुत ही ज़्यादा क्रिटिक रही हैं न्यासा अपने पिता की, ये कहा था अजय देवगन ने। उन्होंने कहा कि बहुत इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव वो देती रही हैं, सॉल्यूशंस उन्हें मिलता है उनसे बात करके, हर चीज़ उनसे वो डिस्कस करते हैं और इसलिए उन्हें इन्फ्लुएंस करती हैं उनकी बातें। उस वक्त 13 साल की थी न्यासा जब उन्होंने गुस्सा किया था अपने पिता पर। स्टेटमेंट अजय देवगन ने कहा कि बहुत ज़्यादा सुपरवाइज बन रही है वो और इसीलिए उनका शार्प सोचना, एनालाइज करना हर चीज़ को बहुत शानदार रहा है। न्यासा देवगन के बारे में कहना था अजय देवगन का, इसमें कोई शक नहीं है कि युग ने कुछ ऐसा कहा जिसके बारे में हर कोई कहता है, लेकिन युग उनको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन न्यासा नाराज़ भी होती है समय समय पर और बहुत ज़्यादा उनसे वो नाराज़ रही थी। बातचीत उन्होंने करना बंद कर दिया था। न्यासा देवगन के बारे में उन्होंने बताया था कि बिल्कुल बात करना बंद कर दिया था जब वो पूरी तरह से उनके साथ नहीं थे लास्ट ईयर, और इसलिए वो बहुत डरे हुए थे उनका सामना वो कैसे करेंगे। जो देवगन ने कहा पहले वो बहुत ज़्यादा
ज्यादा गुस्सा रही थी। सालों और उन्होंने बात नहीं किया था क्योंकि शिवाय के लिए वो बिजी रहते थे और वक्त वो अपनी बेटी को नहीं दे पाते थे। लेकिन ट्रेलर से उन्होंने देखा, फिर कहा, अब मुझे समझ में आया आप क्यों बिजी थे, मैं बहुत प्राउड महसूस करती हूँ पिता आप पर। वहीं काजल की बात की जाए तो काजोल पर न्यासा देवगन का गुस्सा क्यों था, आपको बता दें कि न्यासा देवगन अपने पिता से ज़्यादा अपनी मॉम से गुस्सा तब हुई थी जब बहुत चाइल्डिश बिहेव करती काजोल, जब काजोल बहुत ही अजीबोगरीब फोटोज़ शेयर कर देती सोशल मीडिया पर, बहुत ज़्यादा एक्ट करती। अजय देवगन की लाडली बेटी अपनी मॉम से इस वजह से बहुत ही ज़्यादा नाराज रही थी। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि काजोल की बेटी काजोल को ही सोशल मीडिया से जोड़ी थी। उन्होंने कहा था कि कैसे जुड़ना है, काजोल के फैशन सेंस से भी न्यासा बहुत तंग रही है, इसलिए न्यासा ने अपनी मॉम काजोल को फैशन सेंस में हमेशा हेल्प किया है। अपने फैशन में बदलाव के लिए काजोल हमेशा अपनी मॉम का सपोर्ट सिस्टम बनी रही है। और ये आपको बताना चाहेंगे कि न्यासा देवगन के बारे में काजोल ने खुद से ही कहा था कि उनकी बेटी उनसे बहुत तंग आ गई थी सोशल मीडिया पर जब उन्होंने अजीब बात की थी। इसके अलावा मीडिया के सामने जब काजोल अपनी बेटी पर कुछ ज़्यादा ही पैम्परिंग वाला बिहेवियर दिखाती है तब भी उन्हें पसंद नहीं आता कि उनकी मॉम इस तरह का बिहेव क्यों करती है। वहीं सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना काजोल का अपनी बेटी के लिए काजोल की बेटी को बहुत परेशान कर गया था। बहुत ही एम्बैरस काजोल की बेटी हो जाती जब काजोल उनके साथ मीडिया के सामने अजीब बिहेव करती। न्यासा देवगन के बारे में ये बातें खुद काजोल और अजय देवगन कई बार शेयर कर चुके हैं। जब भी काजोल अपनी बेटी को डांटती तो वो सिर्फ और सिर्फ अजय देवगन ही है जो कि अपनी बेटी को संभालते। इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे हमारे इस रिपोर्ट में मीडिया के सामने अजय देवगन की बेटी काजोल की बात की जाए तो काजोल अजय देवगन और काजोल की बेटी न्यासा की बात की जाए तो न्यासा को बहुत ज़्यादा इमोशनल देखा गया जब वो अपनी अपने दादाजी को खो बैठी थी। वीरू देवगन के निधन पर बहुत वो तकलीफ में थी, वो अपने आंसू नहीं रोक पा रही थी जिसके कारण उन्हें सैलून सेशन के लिए उनके मॉम डैड ने उनसे दूर किया था, लेकिन तब भी उन्हें ट्रॉल किया गया था। अजय देवगन और काजोल को बिल्कुल पसंद नहीं कि उनकी बेटी को ट्रॉल किया जाए क्योंकि वो अभी बॉलीवुड इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं बनी। लोग उन्हें इस तरह से बॉलीवुड इंडस्ट्री में क्यों जोड़ कर रखते हैं, बॉलीवुड की स्टार किड है वो, स्टार नहीं है। अजय काजोल की स्टारडम की वजह से वो अपनी बेटी न्यासा देवगन एक नॉर्मल ज़िंदगी नहीं जी पाती, इसकी वजह से उन्हें काफ़ी तकलीफ झेलनी पड़ती है, काफ़ी ज़्यादा तंग आ जाती है काजोल। अपनी बेटी को नॉर्मल लाइफ देने के लिए वो अपने आप से अपनी बेटी को दूर करके काफ़ी नाखुश रहती है। ये बातें भी अजय देवगन और काजोल ने खुद शेयर की थी। तो न्यासा देवगन के सीक्रेट्स हमने आपके बीच रिवील किए हैं जो फिलहाल अपने स्टडीज को लेकर फोकस्ड है, लेकिन स्टडीज के बाद उनकी दिलचस्पी बॉलीवुड में आने की होगी, पर्दे पर आने की होगी या पर्दे के पीछे होगी, देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि अमिताभ की बेटी नव्या, अमिताभ की नाती नव्या ने तो साफ कह दिया है उन्हें दिलचस्पी नहीं है एक्टिंग में। जी हाँ, श्वेता ने बताया है कि वो एक्टिंग नहीं बल्कि अपने पिता के बिजनेस को हैंडल करने में ज्यादा इंटरेस्ट लेना चाहती है। अब न्यासा को लेकर एक्सपेक्टेशंस बरकरार है कि वो बॉलीवुड में आएंगी, हालांकि अभी तक इस पर कोई भी ज्यादा मुहर नहीं लगाया गया है। फिलहाल दोस्तों, आज स्टार लाइफ स्पेशल में इतना ही, लेकर लौटेंगे ऐसी ही तमाम दिलचस्प खबरें नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।